तुम यहाँ बैठी हो, अभी तक तैयार नहीं हो? तैयार ही हूँ, तुमने भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं मेरा रास्ता रोकने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त के साथ खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें याद जाने के लिए नहीं लेकिन तुम्हें याद हो ही जाएंगे सब पक। तुम जितनी साजिशें करो, जितनी मेहनतें करो, वो सारी मुझे हमदान के करीब ही करती है। थोड़ा मेकअप भी कर रहा, ऐसे ही ठीक। ठीक है, आ जाओ, आंटी बुला रही। माँ बाप तो अच्छा ही सोचता है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। बिल्कुल, वो आ रही है। अच्छा जी, बेटा इधर आ जाओ मेरे पास। हम आया। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। इंशाल्लाह हम फिर एक दो दिन में आते हैं। कुलसुम, नीचे वाले कमरे की चादर और सारे तकिए उतरवा दो और ड्राई क्लीन के लिए भेज दो। जी सुनो। जी। माया तो तुम्हें चाहती है, बता चुकी है वो मुझे कि तुम भी माया को चाहते हो। चाहता हूँ, इसीलिए तो शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि तुम माया से शादी करके अरिश्मा को मजीद अजियत देना चाहते हो। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती। मत मानिए फिर। एक वाकये के बाद आप मुझे कुछ ज्यादा बदगुमान नहीं हो गए? हाँ, क्योंकि उसे एक वाकये ने मुझे बता दिया है कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो चुके। फिर अम्मी, लड़के वालों की तरफ से क्या जवाब आया? जवाब क्या आना है, वो तो तभी कहकर गए थे कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। पर क्यों ना पसंद हो, मेरी बेटी है इतनी प्यारी। बस तो फिर देर किस बात की? बस बेटे, एक दो रोज में वो बुलाएंगे हमें अपने घर। वैसे लड़के को मैंने तस्वीर में देखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और रेशमा को भी। क्यों रेशमा? हाँ, लड़का तो बहुत प्यारा है। हाँ, अब क्या कह रही थी तुम कि वो उसकी शक्ल किससे मिलती है? जी, इमरान अब्बास से मिलता है। हाँ, वो जो ड्रामों में आता है से। मैंने तो खानापुरी के लिए ही जाना है, पर ना शगुफ्ता ने जो जो भी बताया ना, उस हिसाब से तो बिना घर बार देखे मुझे रिश्ता मंजूर है। हाँ, लेकिन एक बार चली जाएगा। हाँ, खैर से अब आना जाना तो लगा रहेगा। शर्मा आ गई, तुमने ना उसके सामने जिक्र शुरू कर दिया। अम्मी, मैं तो सिर्फ एक सवाल किया था, बाकी बातें तो आप बताने लगे। क्या बताऊं, मुझे खुशी इतनी ज्यादा है कि मेरी बेटी का इतने अच्छे घराने में रिश्ता तय हो रहा है।